हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी जानेंगे कैसे आप रेडमी के वाई 3 स्मार्टफोन में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो व्हाट्सअप हैं, एक व्हाट्सअप बिजनेस और व्हाट्सअप। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोनों एप्लीकेशन को हाइड करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप लॉक का। तो यहाँ पर आप ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे और अपना ऐप लॉक जो है एंटर कर देंगे। अगर आपने ऐप लॉक लगाया है तो आपको ऐप लॉक एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि सारी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है। ये तो हो गया हमारा लॉक वाला सिस्टम कि यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो हाइड वाली एप्लीकेशन है उनको भी ओपन करने के लिए लॉक को एंटर करना पड़े, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना, आप सभी को पहले लॉक वाले अनेबल कर देना। तो यहाँ पर लॉक को अनेबल कर देना है दोनों व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि हिडन ऐप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं व्हाट्सएप शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों व्हाट्सएप को सेटिंग को अनेबल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आ जाना बैक, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप यहाँ से हाइड हो चुके हैं। अब दोस्तों, अगर इन एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हो, आप कैसे ओपन करोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर जिस तरह से आप अपनी फोटो को जूम करके देखते हैं, आपको उसी तरह से स्क्रीन के किसी भी एरिया में स्क्रॉल कर देना है और आपकी जो हाइड ऐप है वो शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा लॉक जो हमने अभी तक एंटर किया था। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉक को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी जो दोनों एप्लीकेशन हाइड थी वो यहाँ पर शो हो गई। अब दोस्तों, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन का एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर हम बैक आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं शो हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।